रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से ये बयान आता हुआ। पिछले 58 दिनों में 1,68,818 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। ये जो जियो प्लेटफॉर्म पे फंड रेजिंग हुई है उसके साथ साथ राइट्स इशू के जरिए जो पैसे जुटाए गए हैं उन सबको देखते हुए तो पिछले 58 दिनों में 1,68,818 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं रिलायंस की ओर से। रिलायंस इसके साथ ही कर्ज मुक्त हुआ, डेट फ्री कंपनी बन चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले 58 दिनों के इस फंड रेज के बाद। ये बयान रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट डेट फ्री करने का जो वादा पिछले एजीएम में किया गया था मेरे ख्याल से उसी को रेफर किया जा रहा है कि रिलायंस नेट डेट फ्री हो चुका है इस फंड रेज के बाद। और ये रिकॉर्ड फंड रेज है, 58 दिनों में 1,68,818 करोड़ रुपए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुल मिलाकर के जुटाए हैं। शैल जी, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इस तरह की फंड रेजिंग इतने कम समय के अंदर दुनिया में कहीं भी, और खास तौर पे आप कह सकते हैं कि पिछले दो महीने जो 58 दिनों की हम बात कर रहे हैं जो दुनिया में बहुत ही मुश्किल है, जहां होती होती डील्स अटक रही थी, वहां पर एक रिकॉर्ड बनाया है रिलायंस ने। प्रदीप जी, खबर हमारे दर्शकों के सामने है ही, एक बेसिक डेवलपमेंट जो आरआईएल के चेयरमैन हैं उन्होंने बताया है कि फिलहाल जो वादा किया गया था उससे लगभग 8 या 9 महीने पहले आपको वादा होता हुआ दिख रहा है, और स्टॉक ऑलरेडी मेरे ख्याल से 3.75% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, अब सेटल हो रहा है 1.5% नीचे, 1.5% ऊपर। तो ये आपको देखना पड़ेगा बाजार में, जैसा कि मैं आपको कह ही रहा था जो निफ्टी है उसके कंधे बड़े मजबूत किए जा रहे हैं। कौन कौन से स्टॉक्स आपको ऊपर बढ़ते हुए दिखेंगे, उनमें से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, अब एक नए रिकॉर्ड हाई के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से हेमंत जी की तरफ चलते हैं।